और चतरा में पिछले दिनों अफीम नष्ट करने गए दो सुरक्षा बलों के नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसका करारा जवाब देते हुए नक्सलियों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार शुरू कर दिया है। पुलिस ने नक्सलियों की मांग में घुसकर बड़े भूभाग में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है और इस बार अफीम नष्ट करने के लिए तकलीफ का सहारा भी लिया गया और तकनीकी मदद की वजह से ये सारी फसलें नष्ट की गई। ड्रोन का ये कैमरा अफीम नाम की जहर को फोकस कर रहा है। अफीम की ये खेती चतरा के घने जंगलों में उगाई जा रही है। पिछले दिनों इसी जगह अफीम नष्ट करने आए दो सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने घात लगाकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस आज उसी जगह पर अफीम की फसल नष्ट कर रही है। 7 तारीख को जो घटना घटी थी जिसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए थे, उस घटना के बाद हम लोगों ने पुनः उसी स्थान से अफीम नष्टीकरण का कार्य प्रारंभ किया है तथा हमारा सीधा संदेश है, जो भी लोग इस काम में संलिप्त हैं, चाहे वो नक्सली हो चाहे अफीम के कारोबार से जुड़े लोग हों, कि वे समझ जाए कि पुलिस की कार्रवाई पूरे जोर शोर से तथा और अधिक तीव्र गति से प्रारंभ हो गई है तथा वे इस काम से दूर हो जाए, अन्यथा उन्हें अंजाम उगाना पड़ेगा। नक्सलियों की मांद में घुसकर पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस अभियान में जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और आईआरबी की टीम भी शामिल रही। बड़े भूभाग में लगे फसल को नष्ट कर दिया गया। अफीम नष्टीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह अभियान गम्हारतरी, नारायणतरी तथा हेटबेरी इलाके में प्रारंभ किया गया तथा चतरा के अन्य क्षेत्रों में अफीम नष्टीकरण का कार्य किया गया तथा सभी क्षेत्रों को मिलाकर के कुल लगभग 40 एकड़ में लगी अफीम की फसल को विनष्ट किया गया है। इस गांव के साथ कई अन्य क्षेत्रों में अफीम की खेती का पता चला है। पुलिस उन सारे फसलों को नष्ट करने का प्लान बना रही है। उम्मीद की जा रही है कि तकनीक के सहयोग से जल्द ही सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।